न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी गाजियाबाद, ये सेक्टर 23 संजय नगर के पास में है। रोड के एक तरफ मेरठ रोड के एक तरफ राजनगर एक्सटेंशन है और मेरठ रोड के दूसरी तरफ पड़ेगा राजनगर, सेक्टर 23 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो ये ALT के पास में भी पड़ता है, रईसपुर के पास में भी पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता रहता है और बढ़िया यहाँ पर अच्छे मकान स्टैंडर्ड के घर बनते हैं। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए तो आप राजनगर, कवि नगर, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, गाजियाबाद की ये कॉलोनीज हैं, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सभी तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी आपको सेक्टर 23 में। वीडियो हो जाएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप हर चीज के पेपर्स खुद देख करके ही डिसाइड करें कि आपको कहां पर जमीन लेनी है। लेकिन देखिए, फ्लैट आप कहीं भी खरीद सकते हैं। फिलहाल प्लॉट लेकर के जमीन भी आपकी, छत भी आपकी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। बट मैंने जैसे कि बोला कि आपको पेपर्स, किस तरीके का प्लॉट है, ये वेरीफाई सब कुछ आपको खुद डिसीजन लेना होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए सड़कें कितनी चौड़ी हैं। यहाँ पर सड़कें टूटी हुई नहीं है, नहीं तो कॉलोनीज में बहुत जगह ऐसे होता है कि गड्ढे होते हैं। और सब परिवार वाले लोग रहते हैं यहाँ पर, फैमिली एनवायरमेंट है फुल टू। तो बहुत अंदर अंदर तक भी प्लॉटिंग हो गई है। अब रेट का डिपेंड करता है कि अगर आप आउटर में लेते हैं, जैसे कि ये चौड़ी सड़क पर लेंगे तो महंगा मिलेगा, और अगर अंदर की तरफ लेंगे जहां पर सड़कें कुछ टूटी हुई हैं फिलहाल, तो वहां पर आपको सस्ता मिल सकता है। तो जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है, अब देखिए जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि फिलहाल सड़क यहीं तक बनी थी, अब ये कच्ची सड़क है तो यहां पर हो सकता है आपको प्राइसेस कम मिले। और सामने देख रहे हैं हम, यहीं इसी के पास में हम देख रहे हैं सामने ये मधुबन बापूधाम सी ब्लॉक के फ्लैट, जो सामने आप ये फ्लैट देख रहे हैं ये सी ब्लॉक मधुबन बापूधाम के हैं। अगर आप GDA की कॉलोनी देख रहे हैं तो राजनगर, कवि नगर, लोहिया नगर, शास्त्री नगर, ये सब GDA की कॉलोनी है। मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम। तो मेन आपको अगर फ्लैट लेना है तो राजनगर एक्सटेंशन और वेव सिटी। सड़कें टूटी होने से अच्छा तो इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें हैं। अब घर बनाने का प्लॉट लेकर के एक बेहतरीन मौका, और बहुत से बिल्डर ऐसे भी हैं जो आपको रेडी टू मूव इन दे देते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि टाइम नहीं है, अगर हम प्लॉट लेंगे तो कौन बनवाएगा। आजकल आर्किटेक्ट्स होते हैं वो विद मटेरियल बना देते हैं, आपको सिर्फ प्राइस डिसाइड हो जाएगा और उसका पेमेंट सिर्फ आपको देना होता है। तो डिपेंड करता है, अब आप सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन बहुत ही बढ़िया जगह है, जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। और थोड़ा आप आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, आइसोलेटेड का मतलब कि भीड़ भाड़ से दूर, तो वेव सिटी में आपको भीड़ नहीं मिलेगी। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी आप बना बनाया घर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लॉट ले लिया बिल्डर ने और फिर उसके ऊपर सिंगल स्टोरी बना दिया या डबल स्टोरी बना दिया, तो जमीन भी आपकी, छत भी आपकी, वो कंसेप्ट भी आप कर सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं और आ गए हम चर्च के पास। यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक चर्च है, उसके पास हम चल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, देखिए जमीन में रेट हर जगह बढ़ता है। अब ये नहीं है कि जमीन लेनी है आपको, पहले देखिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो अच्छी है और स्पेयर पैसा है तो फिर तो कहीं भी जमीन ले लो, नहीं तो अपने शहर में ही इन्वेस्ट करने का ज्यादा फायदा होता है। अभी आजकल आई हुई है यमुना एक्सप्रेसवे की स्कीम, यीडा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रीसेल में लेना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास ही लीजिए, जहां आप जिस शहर में रहते हैं। मान लो आप लखनऊ में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, तो रीसेल में तो अपने शहर में ही लेने में फायदा है।
ये दुकानें बन रही हैं, ये सड़कें इस तरीके की, लेकिन जिन लोगों को मन है कि हम जमीन लेके अपना घर बनाएं, तो वो लोग ऐसी टूटी सड़कों में भी देखिए बनाते हैं। ये देखिए नीचे दुकान और ऊपर घर बन गए हैं, ये देखिए। अब जिसको एकदम से डेवलप्ड चाहिए, साफ सफाई चाहिए, तो बिल्डर का आपको हमेशा सफाई मिलेगी अगर बिल्डर कुछ भी बना रहा है कंसेप्ट। लेकिन रेंट पे ले सकते हैं आप फ्लैट और जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जमीन में हमेशा रेट बढ़ता रहता है, फ्लैट में बढ़ता है लेकिन थोड़ा परसेंटेज कम रहती है कंपैरेटिवली। या तो एकदम से हाइप कर दिया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्री लॉन्च में ये भाव में मिलता है, लॉन्च होने पे ये मिलेगा, तो वहां तो रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जहां पे मार्केटिंग होती है बिल्डर, वहां पर नहीं होता है। हाई फाई मार्केटिंग जहां पर होती है वहां पर फ्लैटों के भी खूब रेट बढ़ रहे हैं। जैसे वेव सिटी में आप जाएंगे तो वहां पर फ्लैट्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए वेव सिटी में डिमांड बहुत है, रीजन उसका कहीं गंदगी टूटा हुआ कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, वो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं तो मेंटेनेंस करके भी देते हैं। अभी वेव सिटी में अभी हम देख रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये सब आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया देख रहे हैं आसपास का, लेकिन हम बात कर रहे हैं वेव सिटी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। लास्ट तक देखिएगा, हर पॉइंट पे वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल एक गौर का प्रोजेक्ट चल रहा है वेव सिटी में, अगर आप फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं तो गौर बिल्कुल कॉर्नर पर, सेक्टर 3 के कॉर्नर पर आ रहा है और सामने कार्यान है, तो फैसिलिटी से भरपूर है वेव सिटी। अब वही है कि आप इन्वेस्ट करें, आपका पैसा कितना बढ़ेगा वो आप ही को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वेव सिटी की तरफ लोगों का बहुत ज्यादा रुझान है, और गाजियाबाद की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने का कारण गाजियाबाद के आसपास के जो लोग हैं वो गाजियाबाद में आकर के अपना घर बना रहे हैं, वही एक रीजन है। जहां कनेक्टिविटी अच्छी होगी उसी कॉलोनी की रेट बढ़ेंगे, जैसे कि मानिए वेव सिटी NH 24 पर है, इसीलिए देखिए रिजल्ट आया, वहां पर रेट बढ़ने लगे। NH 58, अगर मैं सही हूं तो मेरठ रोड NH 58 ही है, रैपिड रेल, वहां पर मधुबन बापूधाम और रैपिड रेल के आसपास स्वर्ण जयंतीपुरम कनेक्टेड है, मधुबन बापूधाम के रास्ते गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम मधुबन बापूधाम, यहां पर आपको GDA की कॉलोनी मिलेगी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। ये जो आप झाड़ी देख रहे हैं ना, इनसे ना घबराइए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर इन्हीं झाड़ियों को साफ कर दिया जाए, JCB मशीन बहुत जल्दी सफाई कर देती है, अगर इन झाड़ियों को साफ कर दिया जाए तो यही प्लॉट आपको बहुत बढ़िया नजर आने लगेगा। इसलिए जहां पर झाड़ियां हैं वहीं पर आपको रेट कम मिल सकता है। ये देखिए कितना सुंदर घर बनाया है, कॉर्नर का घर है, अपने आप में वेंटिलेशन हर तरफ से मिल रहा है, और ये देखिए सामने दुकानें। एक आम इंसान को क्या चाहिए कि अगर उसे ऑफिस जाना है तो वो जल्दी पहुंच जाए, और उसे घर आना है तो वो जल्दी आ जाए। आसपास कैसे स्कूल्स हैं, कैसे कोचिंग है, क्या खेलने की फैसिलिटी है, क्या पार्क हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है जब आप सिलेक्शन करें अपने घर का। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट में सिर्फ रेट क्या है, कितने का मिलेगा। देखिए बहुत सी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। आपका मान लीजिए प्लॉट है, तो जो नई कॉलोनी होती है जहां पर 50, 100, 200, 1000 प्लॉट खाली होते हैं, वहां तो आप रेट कह सकते हैं, लेकिन जहां पर मान लीजिए 5 या 10 प्लॉट हैं, तो वो पे डिपेंड करेगा कि सेलर क्या मांग रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसमें सारे फ्लैट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो इसमें कोई रेट नहीं हुआ, ये तो सेलर की चॉइस हुई कि वो किस रेट में देना चाहता है। तो कॉलोनी के रेट इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे माने हम ईडा, तो रेट तो देखिए वहां बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट आ रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कॉलोनीज में नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि देखिए वहां प्लॉट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप मान लीजिए जैसे लोहिया नगर हो गया या फिर राजनगर हो गया, कवि नगर हो गया, वहां पर अब इन्वेंट्री नहीं है, तो डिमांड एंड सप्लाई का भी खेल होता है, ऐसा नहीं है। और लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लॉट ले लिया बस रेट बढ़ जाएगा। तो जमीन में इन्वेस्ट करना बढ़िया रहेगा। पुराने टाइम पे भी राजा महाराजाओं के पास में जमीन से वैल्यू होती थी। फ्लैट भी है, तो ऐसा नहीं है, आप मेरी बात को पॉइंट आउट करके कहें कि भाई फ्लैट वाले की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सबकी वैल्यू है सोसाइटी में। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जमीन का टुकड़ा है तो वो अपने आप में कल को आप फ्लोर भी बना सकते हैं, बहुत सारे यूजेजेस कर सकते हैं, और फ्लैट आपको मिलते रहेंगे। एक यहाँ पर शॉप खुल गई है SDK क्लोथिंग। तो अब आप देखिए, बहुत महंगे कपड़े खरीदना नहीं चाहते हैं अगर, यहाँ पर आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सस्ते प्राइसेस में। ये भी सारा आसपास का एरिया है, शॉप्स बनी हुई है, फैसिलिटी है। अब देखिए ये M ब्लॉक कहलाता है सेक्टर 23 का। यहाँ पर भी देखिए मकान छोटे छोटे हैं, फ्लैट छोटे छोटे बने हुए हैं, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ना, सड़क कनेक्टिविटी की वजह से लोग रहते हैं। अब रैपिड रेल मेरठ तक